यूपीएससी परीक्षाओं में महिलाओं की भागीदारी। जगत जननी कहलाए नारी, सृष्टि रचयिता कहलाए नारी। ये पंक्तियाँ इस संसार में महिलाओं की भूमिका को बेहतरीन ढंग से समझाती हैं। समाज के निर्माण और संचालन में महिलाओं की भागीदारी प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है। पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए महिलाएं आज दुनिया में हर मामले में आगे निकलने को बेताब है। अब चाहे वो ये क्षेत्र हो या फिर गैर सरकारी, हर जगह महिलाएं ही महिलाएं नजर आती हैं। यूपीएससी के जरिए देश की सर्वोच्च सेवा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों में भी महिलाएं आगे बढ़ी हैं। तो आइए यूपीएससी में महिलाओं की भागीदारी को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी की परीक्षाओं में महिलाओं की भागीदारी। दोस्तों, आप सब ने यूपीएससी की परीक्षाओं में महिलाओं के टॉप करने की कई कहानियां सुनी होंगी। आपने ऐसी कहानियां भी सुनी होंगी जिनमें महिलाओं ने तमाम सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करते हुए इस परीक्षा में ना सिर्फ सफलता प्राप्त की बल्कि आगे चलकर अपनी दायित्वों का भी पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन किया है। यूपीएससी ने तो अपनी स्थापना के पहले दिन से महिलाओं को भी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया, और महिलाओं ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है। हालांकि उनके लिए ये सफर आसान नहीं रहा है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है और इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि महिलाएं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। ऐसी ही कुछ मुश्किल देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना रजम मल्होत्रा को भी हुई थी। 1950 में अन्ना ने सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला किया और मेंस परीक्षा पास करके इंटरव्यू के लिए उनका चयन हुआ। 1951 में जब वो इंटरव्यू में शामिल हुई तो उन्हें इंटरव्यू बोर्ड ने उन्हें हतोत्साहित किया। बोर्ड ने उन्हें आईएएस की जगह विदेशी सेवा और केंद्र सेवाओं का ऑफर दिया क्योंकि ये उसकी नजर में ये सेवाएं महिलाओं के लिए ज्यादा बेहतर थी। मगर अन्ना रजम ने हार नहीं मानी। सन 1951 में मद्रास कैडर चुनकर भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुई थी। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में मद्रास राज्य में काम किया था। उन्हें आधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT की स्थापना में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए भी जाना जाता था। साथ ही वो JNPT की अध्यक्ष भी रही थी। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे समाज में महिलाओं को अपना प्रतिभा और क्षमता दुनिया को देखने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मगर इससे हतोत्साहित होने की बजाय भारत की महिलाओं ने हर कदम पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यूपीएससी की परीक्षाओं में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी इस बात की जीता जाता प्रमाण है। यूपीएससी की परीक्षाओं में साल दर साल महिलाओं की भागीदारी को हम आंकड़ों से समझ सकते हैं। देश में तैनात 5,205 आईएएस अधिकारियों में 4,179 पुरुष हैं और 1,026 महिलाएं हैं। इस लिहाज से महिलाओं की हिस्सेदारी 19.71% है। 1972 से लेकर अब तक यूपीएससी की 38 परीक्षाओं के नतीजे जारी हुए हैं। इसमें सिर्फ 12 परीक्षाएं ही ऐसी रही हैं जिनमें महिलाएं रैंक 1 पाने में सफल रही हैं। 1972 से 1997 तक हुई 16 परीक्षाओं में एक महिला टॉपर रही, लेकिन 1998 से 2020 तक 22 परीक्षाओं में 11 बार महिलाओं ने यूपीएससी टॉप किया है। इसके अलावा 1999 से 2018 के बीच 11 लड़कियां ऐसी रही जिन्होंने पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर टॉप 20 में स्थान बनाया। देश में मौजूद आईएएस अधिकारियों के मामले में यूपी के बाद बिहार का ही नंबर आता है। कुल 5,205 आईएएस में से 422 बिहार से हैं। इससे सिर्फ 37 महिलाएं हैं। बिहार से निकले आईएएस अधिकारियों में महिलाओं की उपस्थिति सिर्फ 8.76% है। देश भर की 1,026 महिला आईएएस में बिहार की महिलाओं का प्रतिशत सिर्फ 3.60 है। महिला आईएएस अधिकारियों में बिहार का स्थान 11वां है। ये बात सच है कि 50% आबादी कही जाने वाली महिलाओं की भागीदारी यूपीएससी में अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जिससे हम बहुत बढ़िया कह सके, लेकिन
दिन प्रतिदिन उनकी बढ़ती हुई हिस्सेदारी हमें ये सपना जरूर दिखाती है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब महिलाओं की भागीदारी वाकई 50% हो जाएगी। अगर आप भी IAS की तैयारी किताबें ऑल अबाउट UPSC एग्जाम, मुझे बनना UPSC टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल IAS ऑफिसर की प्रेरक कहानियां, ऐसे फॉर UPSC सिविल सर्विसेज, लैंडमार्क जजमेंट, UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2, सॉल्व क्वेश्चंस और मनीष रंजन की किताबें जिनमें आपको मिलेंगे सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, इन सभी किताबों को Amazon या Flipkart से खरीद सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। UPSC की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें UPSC CSAT जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या Flipkart से और क्रैक करें UPSC एग्जाम।